अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी आगामी मूवी बड़े मियां छोटे मियां 2 को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। नाम सुनकर आपको भी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की मूवी बड़े मियां छोटे मियां याद आई होगी, लेकिन यहाँ बताते चले कि निर्देशक पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि नाम एक जैसा है लेकिन ये उस मूवी का सीक्वल नहीं है। फिलहाल बता दें कि अब इस मूवी में एक और नए सितारे की एंट्री हो गई है जो मूवी में अक्षय और टाइगर को कड़ी टक्कर देता दिखाई देगा। अपनी आगामी होम प्रोडक्शन बड़े मियां छोटे मियां के साथ निर्माता जैकी भगनानी का कहना है कि उसका उद्देश्य एक ऐसी मूवी विकसित करना है जो हॉलीवुड की हिट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का मुकाबला कर सके। उनका कहना है कि जब उन्हें 4 साल पहले कंपनी का क्रिएटिव हेड बनाया गया था तो उन्होंने बैठकर अपने पिता द्वारा बनाए गए 40 फिल्मों की एक सूची बनाई और सोचा कि विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब बड़े मियां छोटे मियां की बात आती है तो जैकी ने सोचा कि वो भारत के फास्ट एंड फ्यूरियस बनाना चाहते हैं। वो बड़े पैमाने पर एक्शन कहानी के बजाय पात्रों के बीच कॉमेडी को दर्शकों के बीच में लाने का उनका पहला उद्देश्य है। आलिया भट्ट जफर द्वारा निर्देशित और एक्शन रूप में तैयार की गई मूवी में पृथ्वीराज सुकुमार विलन के रूप में है। मूवी के लिए जैकी ने कहा कि उन्होंने पहले अक्षय से कॉन्टैक्ट किया था। दोनों ने इससे पहले बेल बॉटम और कठपुतली फिल्मों में एक साथ काम किया था। वो पहले अक्षय सर के पास गए और उन्हें ये पसंद आया। उन्होंने जैकी से पूछा कि छोटे मियां के रूप में किसे ऑन बोर्ड लोगे। जैकी ने जवाब दिया टाइगर और अक्षय ने कहा कमाल है। जैकी अपनी अभिनेत्री प्रेमिका रकुल प्रीत सिंह के साथ हाल में ही एक फैशन शो के लिए शो स्टॉपर के रूप में रैंप पर चली। जब उनसे पूछा गया कि वे कब शादी करने की योजना बना रहे हैं तो रकुल ने कहा कि बहुत समय है अभी। फास्ट एंड फ्यूरियस से तुलना करने की बात तभी आती है जब मूवी में बहुत सारा एक्शन हो, एक से बढ़कर एक कार और बाइक दिखे और शानदार लोकेशंस हो, तो इस मामले में लगता है जैकी अपनी मूवी को हिट कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं बड़े मियां छोटे मियां 2 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, आंसे नहीं। थैंक यू।